Morning students, welcome to Fun and Learn Home Learning. Today we are learning math subject for standard 5th. Chapter 7, Can You See the Pattern? Part 2. I hope बच्चों आपने part 1 के वीडियो अच्छे से सुने होंगे and उसकी exercise भी अच्छे से कर दी होगी, है ना? तो हम आज next part देखेंगे. Okay? Let's start. अभी बच्चों ये पार्ट में हम देखेंगे और भी एग्जांपल है लुक फॉर अ पैटर्न, है ना. लुक फॉर अ पैटर्न मार्क दैट द पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल आल्सो करेक्ट इट. हमको यहाँ ये लाइन में पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और कौन सा पैटर्न रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, वो देखना है, है ना. तो बच्चों ये पैटर्न देखो, ये वाला है, ये अप है, ये डाउन है. दैट मीन्स ये पूरा हाफ टर्न लेकर पैटर्न है, हाफ टर्न का है, है ना. तो हाफ टर्न लिया, फिर से हाफ टर्न लिया तो ये पोजीशन हुआ, फिर से हाफ टर्न लिया तो ये डाउन आ गया, फिर से अप, फिर से डाउन होना चाहिए. तो यहाँ पे ये अप है, दैट मीन्स ये वाली पोजीशन रॉन्ग है. और करेक्टेड पोजीशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. ये करेक्टेड पोजीशन आपने आपके नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है, है ना. अप, लुक एट हियर, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड अप. तो ये एक पैटर्न हो गया. अभी बी वाला एग्जांपल देखो बच्चों. इसमें ये पॉइंट है ना, ये पहले का यानी 1/4 टर्न लेके डाउन में आया, फिर से 1/4 टर्न के लिए साइड में आया, फिर उसे 1/4 टर्न लिया तो अप साइड आया, फिर से 1/4 लिया तो साइड में आया, और फिर से 1/4 टर्न लेगा क्लॉकवाइज तो वो डाउन आना चाहिए. दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट पोजीशन है. तो वो करेक्टेड पोजीशन यहाँ पे मैंने बताई हुई है ना. आप भी इमेजिन करके ये आपके नोटबुक में लिखना है. सी में बच्चों देखो कि तीनों बर्ड्स अप है तो तीनों बर्ड्स डाउन आने चाहिए, तो ये बीच वाला इनकरेक्ट है ना. अभी डी में देखो बच्चों कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर में सर्कल और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में सर्कल और स्क्वायर है, तो ऐसा ब्रेक कौन कर रहा है. यस, देखो बच्चों ये इसमें आप देखेंगे ना तो ट्रायंगल है पर स्क्वायर में सर्कल है और बाकी के दो इसमें सर्कल में स्क्वायर है ना. तो इनकरेक्ट पोजीशन आपको मैंने दिखा दी, अभी उसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपने आपके वो नोटबुक में रिपीट करना है. अभी बच्चों मैजिक स्क्वायर में आएंगे. मैजिक स्क्वायर हमने लास्ट ईयर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हमने क्या बोलते हैं एंटिक मैथ्स एंड मैजिक स्क्वायर भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, है ना. डू यू रिमेम्बर मैजिक ट्राइंगल्स. कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर. फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल नंबर्स From 46 to 54. The rule is the total of each line is 150. तो इसमें रूल क्या है, हर एक लाइन का एडिशन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो सबका 150 ये एडिशन होना चाहिए. और इसमें क्या है 46 टू 54 ये जो नंबर लेंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए. क्या होना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए. ओके, तो चलो हम सॉल्व करते हैं. बच्चों अब मैं यहाँ पे मैजिक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, है ना. ये रहा मेरा मैजिक स्क्वायर. ओके, यहाँ पे है 52, यहाँ पे है 47, यहाँ पे है 46,
यहाँ पे है 49, है ना, दिख रहा है? यस, है ना। अभी बच्चों यहाँ पे देखो, ये तीनों की एडिशन भी 150 होनी चाहिए, इसकी भी 150, इसके भी 150, यानी वर्टिकली, है ना, और हॉरिजेंटली भी इसकी 150, 150 एंड 150 होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों ये देखो, 52 और 47, अगर हमने ये दोनों की एडिशन की और 150 में से माइनस किया तो हमको ये वैल्यू मिल जाएंगी। यस, तो 52 टू प्लस 7 99 और 5 प्लस 4 9, तो 150 माइनस 99 करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 10 में से 9 गए, 4 में से, है ना, 4 में से 9 तो नहीं जा सकते इसलिए इसको 14 किया, 10 में से 9 गए तो 1 एंड 14 में से 9 गए तो 5, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 51। तो अभी 51 अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो इसमें तीनों की एडिशन हो रही है, लेट्स चेक, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 और कैरी जो 1 था वो 15, तो ये हमारा राइट है। ओके, नाउ वी गेट 46 एंड 51। 46 एंड 51 क्या होता है, 6 प्लस 1 7 एंड 9 97। 150 में से 97 माइनस किए, 150 में से 97 माइनस किए तो कितना होता है, 10 एंड 14, है ना, 1 कैरी कर दिया तो 14 हो गया, 10 में से 7 गए 3, 14 में से 9 गए 5, तो 53 आया। तो मैं यहाँ पे 53 लिख देती हूँ। अभी 53 ये पूरा वर्टिकल एडिशन चेक कर देते हैं, 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10, है ना, तो 10 कैरी 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 और ये 5 50, तो 150 हो गया। तो दिस इज वर्टिकल भी हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको, तो 53 एंड 49 को ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 12 कैरी 1, है ना, और 4 प्लस 5 9 और 1 कितना हुआ, यस 10, यानी 102 हुआ। अगर 150 में से, ये देखो बच्चों, इन दोनों की एडिशन कितनी हुई, 3 प्लस 9 12, है ना, कैरी 1, 5 प्लस 4 9 और 10 हुआ, तो 102 हुआ। तो 102 को 150 में से माइनस करेंगे, 10 में से 2 4, 1 में से 1 10 में से 2 गए 8 4, तो यहाँ पे होगा 48, है ना। तो बच्चों अभी इसके एडिशन देखते हैं, 8 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 यस 20 कैरी 2, तो 2 प्लस 2 अरे 4 प्लस 4 8 और कैरी 2 10 हो गए और 5 यानी 150 हो गया। ओके, नाउ हमारा क्या बचा है, 48 एंड 52। अभी इन दोनों की एडिशन क्या होगी, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 और 4 प्लस 9 इज 10
तो 100 हो गया, है ना। देखो 8 + 2 = 10, कैरी 1, 4 + 5 = 9 और 10, तो 150 में से 100 निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, है ना। तो अभी क्या बचा, कौन सा नंबर बचा हमारा, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54 लास्ट नंबर बचा। अभी ये देखो 6 + 4 = 10, कैरी 1, 4 + 1 = 5, 5 + 5 = 10, यानी ये 150 हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट मैजिक स्क्वायर सॉल्व करना है। इसका रूल कैसे आएगा, यस ये रूल भी मैं आपको बता देती हूँ। ये स्क्वायर में क्या होगा बच्चों, 25 है, है ना। आपको कौन सा नंबर, कितने नंबर लेने हैं, 21 to 29 यूज करने हैं, 21 to 29 यूज करने हैं, है ना। और रूल क्या है, इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 75, 75 and 75, और ऐसे हॉरिजेंटली भी क्या होना चाहिए, 75, है ना। तो आपको ये मैजिक स्क्वायर ट्राई करना है, है ना, करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। देखो 53, 48 ये हमने मैजिक स्क्वायर सॉल्व किया है ना, ओके। नाउ आपको 21 to 29 का मैं आपको सॉल्व करना है, इसका मैं सॉल्यूशन बाद में आपको पीडीएफ में दे दूंगी, है ना, ओके। नाउ मैजिक हेक्सागॉन, मैजिक हेक्सागॉन में क्या है, लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द नंबर इन हेक्सागॉन, ईच साइड हैज टू सर्कल एंड वन बॉक्स, यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द सर्कल नेक्स्ट टू इट, है ना। तो जो सर्कल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉक्स का आंसर मिलेगा। आपने बच्चों यहाँ पे देखो 13 क्या होता है, तो 65, है ना। और यहाँ पे सर्कल में क्या आना चाहिए, ये देखो, ये ऑब्जर्व करो, 10 × 7 = 70, है ना। 14 × 7 = 18, 13 × 2 = 26 एंड 10 × 2 = 20, 14 × 5 = 70, है ना। लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स विच आर द सर्कल ऑफ द नेक्स्ट टू इट, 65 के सर्कल का जो है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, है ना। कैन यू सी बिलो रूल बॉक्स, है ना, तो वो रूल हो रहा है, हाँ हो रहा है। यूज द सेम रूल टू फिल द हेक्सागॉन बिलो, तो बच्चों 11 क्या आता है, यस 99, है ना। अभी 108 कब आता है, यस 12 तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 99 आएगा, यहाँ पे 99 आएगा और 12 × 9 = 108, 11 क्या आएगा, 66, 17 × 6 = 17, 6 क्या आएगा, 102, है ना। ये देखो 11 9
तो बच्चों मेक अल्सो नाउ यू अल्सो मेक योर ओन मैजिक हेक्सागन, है ना। आप ऐसे हेक्सागन बना सकते हो। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बच्चों, अभी जब ये हेक्सागन होता है 104 है, राइट। अभी 104 आप कब ला सकते हो 8 के इसमें, तो क्या करना है पता है, 104 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 वन ज़ा 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से आया 4, 8 के टेबल में 24 आता है, यस, 8 थ्री ज़ा 24, दैट मीन्स 13 8 ज़ा क्या हुआ, 13 8 ज़ा 104, है ना, और 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, और 4 4 के इसमें कैसे क्या 64 आएगा, ये देखो बच्चों, 4 से डिवाइड करना है, 4 वन ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से आया 4, और 16 16 4 ज़ा 64 आता है, है ना, 8 8 ज़ा 64 आता है। तो ऐसे करके आपको ये हेक्सागन ख़त्म करना है, जैसे कि सिक्सटीन एट ज़ा 128, 16 4 ज़ा 64, 4 6 ज़ा 24, 16 13 6 ज़ा 78 एंड 13 8 ज़ा 104, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, और आपको 2 हेक्सागन आपके होमवर्क में एक्स्ट्रा ये रूल के अलावा बनाना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर एंड नंबर्स। बच्चों यहाँ पे देखो 24, 19, 37 इक्वल कब होगे, जब दोनों साइड इक्वल अमाउंट होगी, है ना। 37 यहाँ पे भी है, 37 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, 19 यहाँ पे है, 19 यहाँ पे है, तो बोथ आर इक्वल। अभी 215 यहाँ पे है तो राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड RHS साइड भी है, है ना, लेफ्ट साइड भी है। 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, 600 600, तो बोथ आर इक्वल। आर दे इक्वल, यस ऑफ कोर्स आर दे इक्वल। फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस इन द सेम वे, है ना, बोथ साइड आगे पीछे होते हैं पर बोथ साइड सेम अमाउंट होती है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे भी 34 कहीं तो भी होना चाहिए और 20 भी होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 20 है, 34 की जगह पे 20 भी लिख सकते हो, 20 की जगह पे 34 भी लिख सकते हो। अभी इसमें कौन सा मिसिंग है, अभी इसमें 46, इसमें 42 है ना, तो दिस साइज 42 नहीं है, और 65 है 65 है, 80 नहीं है, है ना, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे 42। और बच्चों अभी नेक्स्ट देखते हैं, 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 300 आएगा और यहाँ पे 400 नहीं है, तो 400 आ जाएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, यस। तो वैसे ही आपको डी ऑप्शन जो ब्लैंक दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं एक रूल बता रही हूँ पर आपको आपके हिसाब से दूसरा रूल भी क्रिएट करना है, है ना। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 10 प्लस 40 प्लस 50, तो यहाँ पे भी 50 प्लस 10 प्लस 40 भी
लिया हुआ है, ये मैंने रूल बनाया है, आप आपके हिसाब से दूसरा रूल बना सकते हो, दिस इज योर होमवर्क, है ना। नाउ लुक एट दिस, 48 × 13 और 13 × 48 बोथ आर इक्वल, है ना। चेक इट इज ट्रू और नॉट, यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। 48 × 13 भी 624 होता है एंड 13 × 48 भी 624 ही होता है, सो इट इज ट्रू। बच्चों नाउ लेफ्ट राइट सेम टू सेम, कैन यू सी समथिंग स्पेशल अबाउट 121 की स्टार्टिंग भी 121, तो 121 आप लेफ्ट साइड से भी पढ़ो और राइट साइड से पढ़ो तो दोनों सेम ही होते हैं, है ना। सी इट इज द सेम फॉरवर्ड एज बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड में भी वैसे ही पढ़ा जाता है एंड बैकवर्ड में भी वैसे ही पढ़ा जाता है। व्हाट इट्स अ नंबर, ओ यस इट इज 121 फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट ऑल्सो, है ना। तो ऐसे आगे के पैटर्न्स देखते हैं। कम लेट्स सी हाउ गेट मच नंबर्स, टेक नंबर्स से 43, नाउ टर्न इट, तो 43 को अगर टर्न किया तो 34 हो गया और इन दोनों की एडिशन कर दी तो हमको 77 मिला, है ना। 77 इज अ स्पेशल नंबर, देर आर मेनी सच नंबर्स, यू हैव रिजर्व द नंबर्स बाय राइटिंग इट बैक टू फ्रंट, है ना। जैसे कि मैंने 12 लिया और उसको 21 रिवर्स कर दिया तो 33, वी गेट स्पेशल नंबर। टेक अनदर नंबर, और यहाँ पे बुक में क्या दे गया है, 48 और 84, तो 84 का 132 होता है तो इट्स स्पेशल नंबर, व्हाई नॉट। ओके कैरी फिर से 132 तो स्पेशल नंबर नहीं है तो उसको फिर से लिखना है। ओके कैरी ऑन द नंबर एंड टर्न अगेन, 132 को फिर से टर्न करना है 231, जब तक हमको स्पेशल नंबर नहीं मिलता है तब तक वो लेते रहना है, तो 3, 2 + 1, 3, 6 and 3, तो मिले स्पेशल नंबर मिला, यस। सो वी सी गेट अ स्पेशल नंबर समटाइम्स नीड मोर स्टेप, है ना। कभी अगर स्पेशल नंबर नहीं मिला तो और एक स्टेप आगे जाना है, और एक स्टेप, जब तक स्पेशल नंबर नहीं मिलता है तब तक वो कंटिन्यू करना है। नाउ ट्राई एंड चेंज दिस नंबर एज अ स्पेशल नंबर, जैसे कि 28 है तो मैं क्या लिखूंगी, 82, 10 कैरी 1, 2 + 8, 10 और 1, 11, स्पेशल नंबर नहीं है तो इसको फिर से 1, 1 करते हैं, तो अभी इसकी एडिशन क्या आएगी, 1, 2, 1, है ना, तो स्पेशल नंबर हो गया, यस। नाउ लेट्स यूज द वर्ड इन स्पेशल वेज, नो तो ऑन भी पढ़ सकते हैं, है ना। ओके डिड यू नोटिस दैट इट रीड सेम फ्रॉम बोथ साइड, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, है ना। नाउ ट्राई टू यूज इन स्पेशल वे, नो तो ऑन, लेमन्स तो स्नो मेल, ऑन मेलन तो नो मेलन स्टेप्स, नॉट ऑन पेट्स, तो यहाँ पे है ना बच्चों, स्टेप्स ऑन नॉट
पेंस, ऐसे हुआ है ना, लेफ्ट और राइट दोनों। अभी यहाँ पे स्पेशल वे से मैंने लिखा है, जैसे कि मैडम, तो मैडम मैं यहाँ से भी पढ़ूँ और यहाँ से भी पढ़ूँ, बैकवर्ड पढ़ूँ या फॉरवर्ड पढ़ूँ, दोनों सेम है। आई में भी देखो, बोथ आर सेम। आई में भी देखो, रेस होता है, रेस कार और कार रेस, रेस कार और कार रेस। नो लेमन्स और लेमन्स नो, बोथ आर नो मेलन और मेलन नो, कर सकते हैं। असांटा एट नासा और नासा एट असांटा, सेंटा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।